छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में स्कूली बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत धवलपुर से एक तालाब में 8 से 10 साल के स्कूली छात्र नहाने गए थे, उसी दौरान डूबने से उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। ये थाना मैनपुर क्षेत्र अंतर्गत की घटना है। थाना मैनपुर को आज सूचना मिली कि धवलपुर निवासी तुषार यादव, जो 8 साल का बच्चा है, और इसी तरह खिलेंद्र यादव 13 साल है, दोनों मित्र हैं। ये अपने दोस्तों के साथ वहाँ आसपास जो तालाब है वहाँ नहाने गए थे, जहाँ पर दोनों के नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। मामले में अभी थाना मैनपुर में मर्ग कायम किया गया है। मर्ग कायम करने पश्चात दोनों शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या दोनों पढ़ने वाले बच्चे? हाँ, स्कूली छात्र हैं, बताया गया है। दोनों बच्चे पढ़ने वाले हैं।